हाय एवरीवन, क्या ब्रीच बच्चे को हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं? नहीं, सारे डॉक्टर्स मना करते हैं, मैं भी मना करती हूँ। हर बार यूट्यूब पे कहती हूँ कि कभी भी उल्टे बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी ना कराएं, लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि या तो नेग्लेक्टेड होते हैं, वो पूरे 9 महीने सोनोग्राफी नहीं कराते, या फिर डॉक्टर की बात ना मान के दाई के पास जाते हैं, फिर वो बच्चा फंस जाता है। ऐसे केस में जो हमारे पास पेशेंट आता है, हम क्या करते हैं? मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ कि अभी 2 हफ्ते पहले एक पेशेंट आया जो कि मेरा खुद का पुराना पेशेंट, एक दिन पहले दिखा के गई और वो तब 32 वीक्स थी, 33 वीक्स थी। तो मैंने बोला अभी तो टाइम है, बच्चा घूम जाएगा, घर जाओ। रात में उसको दर्द चालू हो गए और उसको मेरे पर इतना विश्वास, कोई इतनी दूर से मेरे पास ही आई, अगर कहीं और रुक जाती तो शायद उसका सिजेरन हो जाता। जब तक वो मेरे पास आई, उसके बच्चे की टांग बाहर आ गई, मेरे पास फ़ोन आया, मैं दौड़ के हॉस्पिटल गई। अब हॉस्पिटल पहुंची तो भी 15 मिनट तो लगी गए, तब तक मुझे पूरा लग रहा था कि बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन उसके बाद भी ये बच्ची बच गई। आप देखे जाके इतनी प्यारी बच्ची पैदा हुई है। सारे तरीके हमने जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, सारे यूज़ करें और इस बच्चे को बचा लिया। उसको जाके देखे यूट्यूब पर।